एसओजी ने प्रोटेस्ट वारंट पर बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया था, उसके बाद लगातार रिमांड पर चल रहा था बाबूलाल कटारा। कल कोर्ट में पेशी के बाद एक दिन की रिमांड बढ़ाई गई थी और अब बाबूलाल कटारा को जेल भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको जयपुर से दे रहे हैं। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे हैं बाबूलाल कटारा, तो आज बाबूलाल कटारा को जेल भेजा गया है। बता दें कल कोर्ट में बाबूलाल कटारा की पेशी की गई थी, जिसमें एक दिन की रिमांड पर कटारा को भेजा गया था और आज बाबूलाल कटारा को जेल भेजा गया है। और भीलवाड़ा के जहाजपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाजपुर कस्बे में जुलूस पर पथराव किया गया। जहाजपुर कस्बे में निकाली जा रही थी शोभा यात्रा, विवाद के बाद पथराव किया गया। मस्जिद के बाहर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। घटना के बाद धरने पर बैठे विधायक गोपी चंद, जल झूली एकादशी के मौके पर बाजार से जुलूस निकाला जा रहा था। घटना के विरोध में जहाजपुर के बाजार बंद कर दिए गए हैं। एकादशी के अवसर पर महाराज जी के हवेली से एक विमान, यहाँ जो प्राचीन किला है वहाँ मंदिर को इसको कहा जाता था, सुबह विमान को लेके गए थे। वापसी में नहीं, जो महाराज जी की हवेली है वहाँ तक बीच में जमा मस्जिद पड़ती है, वहाँ से निकल के महाराज जी की हवेली में सुरक्षित पहुँच गया है। उसके बाद में कुछ शरारती तत्वों ने नारेबाजी वगैरह करके आपसी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की पुलिस को। और चाकसू से बड़ी खबर है, मेले में युवक ने फिल्मी स्टाइल में दौड़ाया है ट्रैक्टर। युवक के नशे में धुत होने की बात सामने आ रही है। गनीमत रही कि स्टंटबाजी में कोई जनहानि नहीं हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस अमला मौके पर पहुंचा, आरोपी युवक मौके से फरार हो गया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर देरी से आने का भी आरोप लगाया। शिवदासपुरा इलाके के तित्रिया गाँव में आयोजित हो रहा था तेजाजी मेले का कार्यक्रम। राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं बीकानेर दौरे पर रहे अर्जुन राम मेघवाल ने बीजेपी के सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि एक कमेटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर राजस्थान में भी एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन पे एक कमेटी बनी थी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, उनकी रिपोर्ट आ गई तो वन नेशन वन इलेक्शन का विषय भी कंसल्टेशन प्रोसेस में है और उसी श्रृंखला में या उसी तर्ज पर हमारे प्रदेश में भी राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की नगर पालिकाओं के एक साथ चुनाव हो जाएं, नहीं तो कोई 50 नगर पालिकाओं के कभी होते हैं चुनाव, फिर 6 महीने बाद 50 नगर पालिकाओं के और होते हैं, कुछ नगर निगमों के चुनाव हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद फिर नगर निगमों के चुनाव होते हैं। तो इससे आचार संहिता जब लगती है तो काम भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए विचार आया कि वन स्टेट वन इलेक्शन राजस्थान में भी हम इस प्रयोग को करेंगे। तो इस दिशा में काम आगे बढ़ा है और तेजी से काम हो भी रहा है, तो आपको निकट भविष्य में इसकी पूरी जानकारी हमारे पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं वो देंगे। डीडवाना खारिया तालाब में सीवर और नालों का गंदा पानी आने के मामले में अब हाईकोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 सदस्यों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यह कमिश्नर अब खारिया तालाब का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेंगे। गौरतलब है कि सच पे धड़क ने भी इसको लेकर स्पेशल रिपोर्ट प्रसारित की थी, जिसमें खारिया तालाब में सीवर और नालों का गंदा पानी आने से शहरवासियों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाना था। वहीं उत्थान संस्थान के अध्यक्ष और राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता सरवन खान ने भी जनहित याचिका दायर की थी। विधिक सहायता एवं सेवा संस्थान की ओर से खारिया तालाब के जीर्णोद्धार, उसकी साफ सफाई, उसे अतिक्रमण मुक्त करने और उसके सौंदर्यकरण के लिए दायर जनहित याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 3 सदस्यीय
कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए हैं। कोर्ट कमिश्नर जो है वो खारिया तालाब की वास्तविक स्थिति का जायजा लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट कमिश्नर को 15,000 रुपये देने का आदेश भी हाईकोर्ट ने पारित किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2024 को निर्धारित है। और अब खबर आपको अनूपगढ़ के रायसिंह से बता देते हैं, जहां पर रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 8 की जाट कॉलोनी में खबर का असर हुआ है। बता दें कि पिछले 2 महीने से जाट कॉलोनी अंधेरे में डूबी हुई थी। खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में कॉलोनी में खराब लाइटों को दुरुस्त किया गया। कॉलोनी वासियों ने राहत मिलने के बाद सच पे धड़क का आभार व्यक्त किया है। तो देखिए, रायसिंह नगर में खबर का दमदार असर हुआ। 2 महीने से अंधेरे में डूबी हुई थी जाट कॉलोनी। खबर चलने के बाद वहां के जो अधिकारी, उन्होंने संज्ञान लिया और लाइट को दुरुस्त किया गया। हमारे वार्ड नंबर 8 की जाट कॉलोनी के अंदर आगत 8 जुलाई से लाइटें बंद है और बार बार वार्ड वार्ड पार्षद को कहने पर भी, अन्य सोर्स को भी कहने पर भी कोई लाइट ठीक नहीं हुई, लेकिन आज हम हार कर सब सच बेधड़क चैनल के पास गए और उन्होंने हमारी सुनी और उनको सरकार को अवगत कराया तो लाइटें, हमारे 2 महीने से लाइट नहीं है सड़के वाली। पार्षद को बहुत बार बोला हमने पर कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए हार कर हमें खुद ही एक्शन लेना पड़ा और फिर आज तो और राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर IAS निशांत जैन शामिल हुए। इस दौरान मंच पर वक्ताओं ने हिंदी दिवस पर हिंदी के महत्व के साथ ही इसके प्रचार प्रसार को और बढ़ाने को लेकर विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने की। आज 14 सितंबर 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर निशांत जैन जी उपस्थित रहे, IAS हैं और हिंदी माध्यम से वरीयता सूची में उच्च स्थान था उनका। उनका उद्बोधन छात्रों के लिए बहुत ही प्रेरक रहा। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार को लेकर CLG बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यवाहक जिला पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल, पुलिस उप अधीक्षक हरेंद्र जोशी समेत अन्य अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। इस दौरान कार्यवाहक जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी लोगों से आने वाले त्योहारों को लेकर सुझाव मांगे। वहीं उन्हें वरीयता के आधार पर समय रहते ही निस्तारण कर शांतिपूर्वक त्योहार संपन्न कराया जाना, इसको लेकर भी अपील की है। आगामी दिनों में जल जुल्ले एकादशी, 12 औकात के जुलूस और गणेश प्रतिमा विसर्जन अनंत चौदस के जुलूस इत्यादि त्योहारों को लेकर आज शांति समिति CLG की मीटिंग कोतवाली प्रतापगढ़ परिसर में ली गई, जहां पर सभी के रूट के बारे में समस्त सबको चर्चा की गई एवं सभी त्यौहार शांतिपूर्वक सामंजस्य सौहार्दपूर्वक मनाने के बारे में सबसे वार्ता की गई। सभी शांति समिति और CLG के सदस्यों ने पूरा विवरण प्रदान किया और आश्वासन दिया कि यहाँ की परंपरा के अनुसार सारे त्यौहार सभी मिलजुल कर शांतिपूर्वक मनाएं। पेरिस पैरालंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी नितेश कुमार ने परिवार के साथ सालासर बालाजी धूक लगाकर पूजा अर्चना की। गोल्ड मेडलिस्ट नितेश कुमार के सालासर पहुंचने पर मंदिर परिसर में पुजारी ने उनका बालाजी का दुपट्टा ओढ़ाकर और बालाजी की तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया। पैरा ओलंपियन नितेश कुमार ने कहा कि उन्होंने देश के लिए और गोल्ड मेडल जीतने की बालाजी से अरदास करने के साथ ही देश प्रदेश में खुशहाली की कामना। नितेश कुमार है, मैंने मेन्स SU3 में पैरा बैडमिंटन में पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है और सालासर बालाजी टीम के यहाँ मन्नत मांगी थी, वो पूरी होने पे आज दर्शन करने आए थे और बालाजी का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, उनका आशीर्वाद के बना रहेगा। तो मैं आगे हनुमानगढ़ में जयपुर से आई खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल टीम ने शुक्रवार रात को संग्रिया में 2 फर्मों की दुकानों और गोदाम से करीब 4,000 लीटर देसी घी जब्त किया। जब्त देसी घी
स्टैंड होना बताया जा रहा है। खाद्य विभाग ने बालाजी एजेंसी से 550 लीटर और ममता एजेंसी से वस्तु और ओम प्रकाश ब्रांड का 3,362 लीटर देसी घी अमानक होने के संदेह में जब्त किया है। प्रारंभिक पूछताछ में जब्त देसी घी की बीकानेर से आपूर्ति होना बताया गया है, हालांकि टीम इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारे माननीय पीएचएस मैडम, श्रीमती गायत्री राठौर मैडम और इकबाल सर जो हमारे कमिश्नर हैं, खाद्य एवं ड्रग विभाग के जो कमिश्नर हैं, उनके निर्देशन में और माननीय हमारे जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमारी स्टेट जयपुर की टीम आई थी, जिसमें हमारे जॉइंट कमिश्नर साहब एस एन धोलपुरे जी उसमें उनके नेतृत्व में संगरिया में एक जॉइंट कार्रवाई की गई थी हनुमानगढ़ स्वास्थ्य विभाग की और स्टेट की टीम की तरफ से, जिसमें से स्टेट से भी हमारे फूड सुरक्षा अधिकारी आए हुए थे और हमारे जिला स्तर के फूड सुरक्षा अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे। उसमें तीन जो उनको टिप मिली थी घी के ब्रांड की, एक तो बातुला, एक वास्तु और एक ओम कृष्णा। तो इन जो घी की जो एजेंसीज थी उन दो जगह कार्रवाई करते हुए सैंपलिंग की कार्रवाई की गई और सैंपलिंग में जो अमानकता का जो संदेह था उस संदेह के आधार पर लगभग 4000 लीटर घी उसको सीज भी किया गया। हमारे माननीय पीएचएस मैडम श्रीमती गायत्री। और अब खबर बीकानेर से है, जहां पर भारत विकास परिषद उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ओर से रानी बाजार में क्षेत्रीय महिला संस्कार सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह संस्कार सम्मेलन 15 सितंबर को रानी बाजार के पार्क पैराडाइज में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में कुल 4 सत्र होंगे और लगभग 400 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे। इसके विभिन्न सत्रों में योगाभ्यास, प्रबोधिनी प्रतियोगिता, राम प्रस्तुति, स्वर्णिम आभा, कथक सृजिका और गीत संगीत समेत विभिन्न सत्र होंगे। हमारे सम्मेलन का नाम हमने रखा है श्री विधा सम्मेलन। श्री यानी समृद्धि या ऐश्वर्य, विधा देने वाली। तो हमारी सबकी यही मनोकामना है कि हम स्त्रियां सबको श्री विधा देने में सहायक बने, और इसलिए हमने ये संस्कार सम्मेलन रखा है जो हमारे सातों प्रांत से, मतलब राजस्थान को हमने 7 प्रांत में उसको रीजन को डिवाइड किया हुआ है, वहाँ से जो महिलाएं आ रही हैं, हर शाखा से आ रही हैं, और हमारी यही कोशिश है कि वो यहाँ से ये सीख के जाएं कि उनको अपनी अपनी शाखाओं में क्या सेवा या संस्कार के कार्य करा। उदयपुर वाटी कस्बे के कोट बांध पर जिला स्तरीय जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने जल देवता की पूजा अर्चना की। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम से आए हुए अतिथियों का फूल माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने जल महोत्सव कार्यक्रम पर जल का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सभी जगह अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जल का संरक्षण करें। पर्यावरण को बचाने के दौरान राज्य सरकार के संदेश पर नीम का थाना जिले में 7 करोड़ पौधे लगाकर सुरक्षित रखना और देखभाल करने की जिम्मेदारी ली गई है। और अब खबर प्रतापगढ़ की छोटी सादरी से बता देते हैं, जहां पर उपखंड क्षेत्र की बसेड़ा ग्राम पंचायत के खेड़ी आर्य नगर गांव में कृषि कार्य के दौरान एक व्यक्ति पर पैंथर ने हमला कर दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने व्यक्ति को बचा लिया और छोटी सादरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां घायल व्यक्ति का उपचार जारी है। पैंथर के हमले से स्थानीय लोग काफी दहशत में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 1-2 माह से पैंथर गांव के बाहरी इलाकों में घुस आया है और प्रतिदिन मवेशियों को निशाना बना रहा है। दिनों से यह घटना हो रही है और इस घटना की जानकारी हम विभाग को बार बार दे चुके हैं, हमारे सरपंच साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन इसकी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसका पैंथर को पकड़ने के लिए। और बार बार ये आज हमारे गांव के गोपाल पाटीदार के ऊपर हमला कर दिया है। घायल अवस्था में भी इलाज करने के लिए आए हैं। जो सरकार से और वन विभाग टीम से आग्रह करते हैं कि जल्दी जल्दी इसको पकड़ के गई और जंगल में छुड़वाएं। कई दिनों से और अब खबर जयपुर के चोमू से है, जहां पुलिस ने कार चोरी की वारदात को खुलासा कर दिया है। कार चोरी करने वाले बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। कार को किराए पर देकर मुनाफा कमाने के लिए वारदात को अंजाम देता था। स्पेशल टीम के मूलचंद नरेंद्र सिंह महेश कुमार ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। चोमू SHO प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। तो कार चोरी करने वाले बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। कार को किराए पर देकर मुनाफा कमाने के लिए
वह वारदात को अंजाम दिया करता था। खबर अब करौली से है, जहां पर एक अस्पताल में आवारा कुत्तों के घूमने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि जहां लोगों को इलाज और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है, वहां पर विभिन्न वार्डों में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। यह समस्या केवल गंदगी या असुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संक्रमण और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है। खबर हम आपको करौली से बता रहे हैं, जहां पर वार्डों में आवारा कुत्ते घूमते हुए नजर आए। अब इसी वजह से कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनको भी इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन कुत्तों की वजह से लोगों को बीमारियां भी हो सकती हैं। ये तस्वीरें देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हैं, जहाँ पर कुत्तों का आतंक देखा गया है। राजस्थान के कोटा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 8 साल के बच्चे को निर्वस्त्र कर घंटों तक डांस करवाया गया। जानकारी के मुताबिक युवकों ने बच्चे पर चोरी का आरोप लगाते हुए जूतों से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी बच्चे को खुद को चोर बोलने के लिए भी मजबूर करते रहे। घटना के बाद युवकों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो बनाने वाले 4 से 5 युवकों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ भी जारी है। एक जो 12 वर्षीय बालक था, उसके साथ में मारपीट करने तथा उसको निर्वस्त्र करके जो गानों पे नचाने का मामला एक संज्ञान में आया था, जिस पर एसपी साहब के निर्देश पे श्री मनीष शर्मा जी वृत्ताधिकारी और महावीर नगर SHO महेंद्र मारू जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी, जिस पर उक्त बालक की पहचान की तथा घटनास्थल की पहचान की और आरोपियों की पहचान की गई। उसमें इस पर घटना संज्ञान में आते ही तुरंत जो कार्रवाई करते हुए जो आरोपीगण, जो इसमें 6 आरोपीगण हैं, उनको डिटेन किया गया और जो नाबालिग बालक है उसके परिजनों द्वारा थाने पे एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें पोक्सो एक्ट, जेजे एक्ट और SC ST एक्ट और BNS की जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें प्रकरण दर्ज किया गया है। और इस प्रकरण का अनुसंधान श्री मनीष शर्मा वृत्ताधिकारी कर रहे हैं। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपीगण, जो इसमें 5 आरोपीगण थे, उनको कल रात को ही गिरफ्तार किया गया था और एक आरोपी को इसमें आज सुबह। नीदरलैंड की मल्टीनेशनल बीज कंपनी रजिक रवान के खराब बीज मामले में किसानों की जीत हुई है। कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए रजिक रवान कंपनी के कैप्टन स्टार बीज का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। अब यह कंपनी राजस्थान में खीरे का कैप्टन स्टार बीज नहीं बेच पाएगी। बता दें कि रजिक रवान कंपनी ने किसानों को खरे के कम गुणवत्ता वाले खराब बीज दिए गए थे, जिसके बाद किसानों को फसल पूरी तरह से खराब हो गई थी, जिसकी शिकायत किसानों ने कृषि विभाग से की थी। इसके बाद कृषि विभाग ने जांच के बाद कंपनी के बीज बेचने पर रोक लगा दी। किसान अब कंपनी से मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। सीकर सांसद अमराराम ने सच पे धड़क से बात करते हुए बताया कि किसानों की आवाज संसद और सड़क पर उठाई जाएगी और कंपनी की ओर से किसानों को जरूर मुआवजा दिलाया जाएगा। न केवल बीज बल्कि खाद भी नकली देने की विदेशी कंपनियां जिस तरह से कर रही है, निश्चित रूप से तमाम इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए और एक कमेटी, जो भी कोई विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी बीज या खाद देती है, क्योंकि आज भी 70% खाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आ रहा है। बीज शोध थी एग्रीकल्चर की जो है, उसका बजट सरकार ने घटाया है, एग्रीकल्चर का और अलाइड का बजट घटाने का काम किया है। इसलिए सरकार की मंशा तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मालामाल करने की, अभी भी बजट में उनका टैक्स घटाने का काम किया है, लेकिन किसान लड़ रहा है और हम भी राजस्थान देश की संसद में किसान की, राजस्थान पंजाब के किसानों से जो खराब बीज और नकली DAP देकर के लोगों को नष्ट किया है, निश्चित रूप से इसकी आवाज़ किसानों ने।